तो कहानी की शुरुआत होती है बांग्लादेश के एक छोटे से गांव चटगांव से। चटगांव में एक लड़का रहा करता था। लड़के का नाम था सिबली सादिक हृदय। सिबली पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज था और वो अपनी पढ़ाई को आगे करना चाहता था और कुछ अपने लाइफ में बनना चाहता था। लेकिन उसका जो परिवार है उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि इसको अच्छे से पढ़ा सके, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। ऐसे में सिबली अब ये सोचता है कि मुझे अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ नौकरी भी करनी चाहिए, जिसकी मदद से मैं अपनी जो पढ़ाई का खर्चा है वो निकाल सकूँ, साथ ही अगर कुछ पैसे बचते हैं तो मैं अपने परिवार को भी दे सकूँ। ये सोच के वो काम ढूंढने लगता है। कुछ दिन के बाद उसको अपने घर के पास ही एक पोल्ट्री फार्म में काम भी मिल जाता है। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इस वजह से उसको वहाँ पर मैनेजर की पोस्ट भी मिल जाती है। अब वहाँ पर कुछ लोग भी और काम कर रहे होते हैं, जो कि 6 लोग और होते हैं जो कि वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, जिनकी उम्र 24 से 26 साल थी। अब सिबली की उम्र जो है 20 साल थी। शुरू में वो वहाँ पर काम करता है, टाइम टू टाइम काम पे जाता है, टाइम टू टाइम अपने घर पे भी आ जाता है और अपनी पढ़ाई में भी खूब ध्यान देता है। अब वो जैसे जैसे वहाँ पर काम करने लगता है, वहाँ के जो 6 लोग थे वो काफ़ी बदमाश लोग थे। वो लोग सही से काम नहीं करते थे और कभी कभी काम पर चोरी भी किया करते थे। उनको ये लगता था कि जो हमारा मैनेजर है वो हमसे उम्र में काफ़ी छोटा है, इस वजह से हमको कुछ कहेगा नहीं। अब शुरू में जब सिबली को इस बात का पता चलता है तो एज अ फ्रेंड वो उन लोगों को समझाता है कि भाई आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आप अच्छे से आप ईमानदारी से काम करो, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो लोग इसकी बात को इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं लेते हैं, अनसुना कर देते हैं। वो फिर से अपने काम पे लग जाता है और ये लोग फिर से यहाँ पर इसी तरह से आते हैं, कभी टाइम पे आते हैं, कभी नहीं आते हैं और कभी कभी चोरी भी कर लिया करते हैं। अब ये जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब सिबली उन लोगों को धमकाता है, या तो फिर ये कह दो कि उसको वो कहता है कि अगर आप इस तरह से करते रहोगे तो मैं आपके खिलाफ़ कार्यवाही भी करूँगा, अपने मालिक से भी बात करूँगा। ये बात जब उन लोगों को पता चलती है तो उन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, सिबली के और इन 6 लोगों के बीच में। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पर पोल्ट्री फार्म के मालिक को भी आना पड़ता है और उन दोनों के बीच में सुलह करानी पड़ती है और कहता है कि सिबली जो है तुम्हारा मैनेजर है, तुमको इसकी बात माननी होगी और ये जो कहेगा वही आप लोगों को करना है। फिर वहाँ पर उन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, इस जो बना हुआ था उसको सिबली भूल जाता है, अपने दिमाग से निकाल देता है, चलो कोई बात नहीं हो गया ऐसा सोच के उस बात को भूल जाता है। लेकिन वो जो 6 लोग थे वो इस बात को नहीं भुलाते हैं, वो दिमाग में ये सोचते हैं कि इससे हम बदला ज़रूर से लेंगे, जब भी सही वक्त आएगा हम इससे बदला लेंगे। ऐसे ही टाइम बीतता है। अब यहाँ पर एक 28 अगस्त का दिन आता है। उस दिन सिबली अपने खेत में काम कर रहा होता है, यही 6 लोग वहाँ से आते हैं पीछे से और सिबली को उठा लेते हैं। जब सिबली को उठा लेते हैं तो उसको पता नहीं होता है कि ये लोग कौन है। वो गाड़ी में बैठाते हैं और किसी अज्ञात जगह पे उसको ले जाते हैं। वहाँ पे ले जाने के बाद उसको बंधक बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और बहुत बेरहमी में से उसको मारते हैं। अब किसी तरह से उस दिन सिबली के हाथ में उसका फ़ोन आ जाता है। फ़ोन आने के बाद वो सीधा अपनी माँ को फ़ोन करता है। उसकी माँ का नाम नाहिद अख्तर था। वो फ़ोन लगाता है, जैसे ही माँ फ़ोन उठाती है वो बोलता है मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो लोग मुझे बड़ी ही बेरहमी से मार रहे हैं, ये लोग अगर आपसे कुछ मांगते हैं तो आप इसको दे दीजिए वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। वो इतना बोलता है, उसके बाद उसकी माँ उसको कुछ पूछ पाती है उससे पहले फ़ोन कट हो जाता है। अब जैसे माँ को इस बात का पता चलता है वो सबको बताती है, परिवार में बताती है, अड़ोस पड़ोस में बताती है, तो सब लोग अब सिबली को ढूंढने लगते हैं। काफ़ी घंटे ढूंढने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब 3-4 घंटे बीतने के बाद फिर से उसी नंबर से कॉल आता है। इस बार सिबली नहीं बोलता है, जो किडनैपर थे वह बात करते हैं। वो उसकी माँ को बताते हैं कि आपका बेटा हमारे पास है और अगर आपको आपका बेटा सही सलामत चाहिए तो आप हमें 15 लाख टका का इंतज़ाम करके दे दीजिए और जहाँ पर हम कहते हैं वहाँ पर पहुँचा दीजिए। अब 15 लाख टका ये बांग्लादेशी मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ पे रुपया चलता है वहाँ पर टका चलता है। अब यहाँ पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनका परिवार गरीब था तो उतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। फिर भी वो लोग ढूंढते हैं, 3 दिन तक वो लोग पैसे का कहीं ना कहीं से इंतजाम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनके पास जाते हैं, कुछ अड़ोस पड़ोस वालों के पास जाते हैं लेकिन वो उतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। 3 दिन बाद फिर से किडनैपर का फ़ोन आता है और वो उसी रकम की बात करता है कि आपने 15 लाख टका का क्या किया। तो उसके पिताजी उनको बताते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा गरीब है, इतना ज़्यादा पैसा हम आपके लिए इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, आप कुछ कम करो तो हम जरूर से कोशिश करेंगे। अब क्योंकि किडनैपर
जान पहचान वाले ही थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि सिबली का जो परिवार है काफ़ी ज़्यादा गरीब है, वो इतने ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगा, तो वो रकम घटा के 2 लाख टका कर देता है। अब ऐसे में जब 2 लाख टका की बात होती है तो उसके बाबा फिर से यहाँ वहाँ ढूंढना स्टार्ट करते हैं और किसी ना किसी तरह से वो 2 लाख टका का इंतज़ाम कर देते हैं। अब दिन आता है 4 सितंबर, उस दिन फिर से कॉल आता है और वो कहते हैं पैसे का इंतज़ाम हो चुका है, आप बताइए कहाँ पर लेके आना है। वो एक जगह का नाम बताते हैं, तो उस जगह का नाम था बंदरबान। जो किडनेपर से वो उसके पापा को बंदरबान पे बुलाते हैं, उसके पापा वहाँ पर 2 लाख टका लेके जाते हैं और किडनेपर्स को वो रकम दे देते हैं। अब वहाँ पर सिबली उसके पापा को नहीं दिखाई देता है, तो वो किडनेपर्स को पूछते हैं कि सिबली कहाँ पर है, आप उसको यहाँ पर साथ में लेके क्यों नहीं आए। तो किडनेपर्स कहते हैं कि आपने हमको जो पैसा दिया है वो जैसे ही हमारे मेन आदमी तक पहुंच जाएगा, आपका बेटा आपके घर पे पहुंच जाएगा। ऐसा कहने के बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं और उसके पापा भी वहां से अपने घर आने के लिए निकल जाते हैं। अब सिबली के पापा घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद उसकी माँ को पूछते हैं कि क्या बेटा घर पे आ गया है, तो माँ कहती है नहीं अभी तक तो बेटा घर पे नहीं आया है। तो फिर से वो लोग इंतज़ार करने लगते हैं, इंतज़ार करते करते 24 घंटे भी बीत जाते हैं लेकिन अभी तक बेटा घर पे नहीं आता है। ऐसे में 3 दिन हो जाते हैं लेकिन फिर भी बेटा घर पे नहीं आता है, तो वो लोग अब पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद जो सारी हकीकत थी वो वहाँ पर बताते हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपने पैसा देने के बाद इतना ज़्यादा इंतज़ार क्यों किया, पहले आपने हमारा कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया। तो वो लोग कहते हैं कि किडनेपर्स ने हमको काफ़ी धमकाया था कि अगर आप पुलिस वालों के पास जाओगे तो हम आपके बेटे को मार डालेंगे और हमको काफ़ी ज़्यादा डर भी लग गया था, इस वजह से हम आपके पास नहीं आए थे। इसके बाद पुलिस जो है अपनी जो तलाश है वो स्टार्ट करती है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में अपनी उसकी जो माँ होती है नायब अख्तर, उससे बात करती है और पूछती है कि क्या आपके बेटे का किसी के साथ झगड़ा हुआ था, या तो फिर क्या कोई उसका ऐसा कोई दुश्मन है जिसके ऊपर आपको शक हो जो ऐसा कर सकता है। तो उसकी माँ बताती है कि दुश्मन तो कोई नहीं है लेकिन हाँ कुछ दिन पहले वो जहाँ पर काम करता था वहाँ पर उसके साथीदार के साथ कुछ उसका झगड़ा हुआ था, तो हो सकता है वो लोग भी इसमें हो सकते हैं। तो पुलिस सबसे पहले उन्हीं 6 लोगों को ढूंढना स्टार्ट करती है। तो ऐसे में 1-2 दिन के अंदर उनमें से 2 लोग मिल जाते हैं। उन दोनों को थाने लेके आते हैं, लेके आने के बाद उन लोगों से पूछताछ शुरू होती है। शुरू में तो उनमें से कोई भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है, कहते हमको तो कुछ भी पता ही नहीं है, लेकिन जब थोड़ी सख्ताई से पूछताछ स्टार्ट होती है, 3rd degree का इस्तेमाल स्टार्ट होता है, तो उनमें से एक आदमी टूट जाता है और कहता है कि हाँ सिबली का हमने ही किडनैप किया था। उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं अगर आपने किडनैप किया था तो पैसा मिलने के बाद भी उसको छोड़ा क्यों नहीं, वो कहाँ पर है। तो उसने कहा कि उसकी मौत हो चुकी है, उसको हमने मार दिया है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि अगर मार दिया है तो उसकी लाश कहाँ पर है। तो वो लोग कहते हैं कि हमने उसकी जो लाश है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और उसके जो लाश के जो टुकड़े थे उसमें से हमने हड्डियों को अलग कर लिया था और उसके मांस को भी अलग कर लिया था, और जो हड्डियाँ थी उसको हमने पहाड़ी के ऊपर फेंक दिया था और मांस को भी किसी और जगह पे हमने फेंका था ताकि पुलिस को कुछ भी पता ना चले कि ये किसकी लाश है और कभी इसको पहचान ना पाए। जब इस बात का पुलिस को पता चलता है तो वो लोग तलाश स्टार्ट करते हैं और जो बाकी के जो 4 लोग थे उनको भी वो लोग ढूंढना शुरू करते हैं। ऐसे में कुछ दिन के बाद वो जो बाकी के 4 लोग थे वो भी मिल जाते हैं। उसमें एक आदमी होता है जिसका नाम होता है उमोंग चिंग मामा। ये मेन आदमी था, इसी के साथ सिबली का झगड़ा हुआ था और इसी आदमी ने पूरा ये प्लान बनाया था। जब इस आदमी से पूछताछ होती है तो कुछ ऐसी बातें सामने आती है जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा हड़कम हड़कम मच जाता है। वो कहता है कि सिबली को हमने किडनैप किया था लेकिन हम उसको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि जब उसको हमने किडनैप करके अपने पास रखा था उस टाइम पे एक टाइम पे उसने हमारे चेहरे को देख लिया था, वो हमको पहचान गया था। अब जब हमको पहचान गया था तो हमको इस बात का डर लगा था कि जब इसको हम छोड़ देंगे तो ये पुलिस के पास जाएगा और हमारे खिलाफ़ कार्रवाई करवाएगा और हमको जेल करवाएगा, इस वजह से हमें उसको मारना पड़ा था। अब मारने के बाद उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े भी इन लोगों ने किए थे। उसके बाद ये जो बंदा होता है उमोंग चिंग मामा, इसका सिबली के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि उस मांस के टुकड़ों को वो पकाता है और पकाने के बाद कुछ खा भी लेता है। जब ये खाने की बात पता चलती है पुलिस वालों को और फिर मीडिया में आती है, मीडिया में आने के बाद जब ये बात बांग्लादेशियों को सबको पता चलती है, वहाँ की प्रजा को पता चलती है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। ऐसे में जब ये लोग इसको दूसरे थाने पे ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो लोग आ जाते हैं, सब बांग्लादेश के जब जो लोग होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं।
आने के बाद गाड़ी का घेराव कर लेते हैं और इसको वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद सब लोग उसको पीट पीट कर मार डालते हैं और बाकी के जो लोग थे उसको पुलिस बचाते हुए वहाँ से ले जाती है। उसके बाद 11 सितंबर को वो लोग जब जगह बताई थी पहाड़ी पे, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पर कुछ हड्डियाँ भी मिल जाती है जो कि सिबली की ही थी। तो यहाँ पर यह था बांग्लादेश का एक ऐसा केस जिसमें एक आदमी ने अपने ही साथ काम करने वाले को मार दिया और उसका गुनाह सिर्फ यही था कि वो बस ईमानदारी से काम करना चाहता था और मारने के बाद भी वो बंदा उसके शरीर को पकाता है और खुद खा भी जाता है। तो ये थी आज की कहानी।